हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक क्लब। दोस्तों, अगर आपके पास भी स्मार्ट टीवी है और अगर आपकी टीवी में भी ऐसी ही कुछ एंड्रॉयड टीवी के अंदर ग्रीन स्क्रीन दिखाई दे रही है, तो यहां पर मैं आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने वाला हूं। तो देखते रहिए इस वीडियो को आखिरी तक, उससे साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही टेक्निकल चीज़ें और अनबॉक्सिंग वीडियोज मैं लाता रहता हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे ही मैं YouTube वगैरह या किसी भी एप्लीकेशन को ऑन करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि मैं एक यहाँ पे कोई भी वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको ग्रीन स्क्रीन दिखाई देती है। और यहाँ पर इसका रीज़न क्या है वो भी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या हमारी प्रॉब्लम आती है इसके अंदर। यहाँ पर आपको ऐसा कोई भी डिफॉल्ट प्रॉब्लम नहीं है। वैसे मैं बताऊँ तो देखा जाए तो आपको यहाँ पर सिर्फ आपके एप्लीकेशन को सबसे पहले अपडेट करना है, साथ ही मैं अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो जाना है आपको आपके अकाउंट के ऊपर, और यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लोग इसे साइन इन करके नहीं बनाते हैं, और बहुत सारे लोग साइन इन कर लेते हैं। तो साइन इन करने के बाद भी अगर आपकी ये प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ से आप इसे लॉग आउट कर दीजिए, और उसके बाद वापस से आप एक बार बाहर की तरफ आ जाइए लॉग आउट करके। लॉग आउट करने के बाद आपको एक बार वापस से करना है साइन इन। साइन इन करने के बाद आपका जो भी आपके पास आईडी है, जिससे भी आपने लॉग इन कर रखा है, उस पर जाइए। और यहाँ पर लॉग इन करने के बाद आपका ये जो सिस्टम है, जो आपका टीवी है, वो यहाँ से आप ये सारे प्रोसेस जितनी भी चीज़ें होती है वो सब मांगेगा। तो आपको यहाँ पे वेरीफाई करना होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या रखा था। अब यहाँ पर अपने ईमेल आईडी डालने के बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट करने के बाद मुझे यहाँ पर मेरा जैसे ये ईमेल आईडी एक्सेप्ट नहीं करना है, तो मुझे कोई और ईमेल आईडी यहाँ पर डालनी होगी। तब तक मैं यहाँ पर दूसरी ईमेल आईडी डाल देता हूँ। उसके अलावा दोस्तों, कई बार आपकी ये पुरानी ईमेल आईडी को नहीं लेता है, तो यहाँ पर आपको एक नई ईमेल आईडी से आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा। और यहाँ पर आपको स्किप करना है तो स्किप, नहीं तो यहाँ पे आप साइन इन भी कर सकते हैं। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब आपके लिए यहाँ पर एक नई आईडी क्रिएट करनी होगी। क्रिएट करने के बाद उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आपको बताता हूँ। सो गाइज, यहाँ पर मैं अपनी कोई दूसरी आईडी डालने वाला था, लेकिन यहाँ पर मैंने एक नई आईडी क्रिएट कर ली। वापस से वहाँ पे लॉगिन क्रिएट करने के बाद लॉगिन करके मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड चेंज किया। पासवर्ड चेंज करने के बाद यहाँ पर मुझे इस तरीके से देखने को मिल गया है। अब यहाँ पर आप कोई भी वीडियो अगर आप प्ले करते हैं, सपोज़ कीजिए मैं यहाँ पर कोई भी वीडियो प्ले कर लेता हूँ। सो गाइज, यहाँ पर न्यू आईडी लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपसे ये पूछता है कि आपको कौन सी आईडी से लॉगिन करना है। यूट्यूब आप जब भी चलाते हैं, कोई भी एप्लीकेशन आप चलाते हैं, तो वहाँ पर आपको पुरानी वाली आईडी को डिलीट कर देना है और नई वाली आईडी से लॉगिन कर देना है। थोड़ा सा 5 से 10 मिनट का ये टाइम लेगा, हल्का सा मेरे हिसाब से, ज़्यादा मैंने खैर बोल दिया, हो सकता है कम भी ले ले। तो यहाँ पर आने के बाद आप देखिए, मैंने वो सब चीज़ें करने के बाद इस पर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए ग्रीन स्क्रीन बिल्कुल तरीके से गायब होती है। और यहाँ पर अब आपको पूरा स्क्रीन जैसे दिखता था, आपको डिस्प्ले पूरा प्रॉपरली दिखता है, ग्रीन कलर का नहीं दिखाई देता है। तो इस तरीके से दोस्तों, आप सारे अपने प्रोग्राम्स को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और साथ में वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए गाइस, थैंक यू फ्रॉम टेक क्लब, टेक केयर।